तुम लोग कहाँ लेके आए हो मुझे? प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, क्या कर रहे हो तुम लोग? प्लीज मुझे छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। Are you okay? मैं ठीक हूँ। देखिए आप कुछ परेशान लग रही हैं। मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकता हूँ? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, दूर रहो मुझसे। ऑटो, ऑटो। भैया किशन बाबू। ये लीजिए। गुड मॉर्निंग दुबे जी। गुड मॉर्निंग विनय बेटा। अरे दुबे जी, कल से मेरे साथ जॉगिंग पे चलिए, आपका पेट निकल रहा है। हाँ बेटा, जरूर 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 चलेंगे। नमस्ते कपूर साहब। हाँ गुड मॉर्निंग विनय। पापा, आपको विनय को योगा करके दिखाने की क्या जरूरत है? अब आपको उसकी कोई बात तो माननी नहीं है। अरे मेरी सेहत की छोड़ो बेटा, बात अब इज्जत की है। अरे तुमने ऐसा क्या किया है जो तुझे पुलिस स्टेशन बुलाया गया है? मैंने क्या किया पापा? अरे कुछ नहीं बेटा, तेरे पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के लिए तुझे पुलिस स्टेशन बुलाया है। आप भी ना सुबह सुबह शुभ शुभ बोला कीजिए। क्या पापा, आप भी ना। साहब आप बार बार ये अजीब से सवाल क्यों कर रहे हैं? बताया ना मैंने आपको, सुबह मेरी बेटी को दो आदमी अपनी गाड़ी में उठा कर ले गए थे और फिर इसके साथ गलत। देखिए मैं समझ सकता हूँ कि ऐसे सवालों की जवाब देना एक लड़की के लिए मुश्किल बात है, लेकिन प्लीज इसे बोलने दीजिए। हाँ तो रागिनी जी बताइए। सर मैं एक हॉस्पिटल में नर्स हूँ। आज मेरी सुबह की शिफ्ट थी और मैं बस हॉस्पिटल जा रही थी, तभी अचानक एक गाड़ी आकर रुकी और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती और सर जब मुझे होश आया तो प्लीज मुझे छोड़ो, छोड़ो, जाने दो। सर वो दूसरा लड़का मेरी वीडियो भी बना। क्या तुम उन दोनों लड़कों को जानती हो? नहीं सर। अगर देखोगी तो पहचान पाओगी? हाँ सर। ठीक है, क्या तुम्हें वो जगह याद है जहाँ तुम्हें वो लेके गए थे? सर नहीं पता सर, मैं तो बेहोश थी। अभी तुम्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। शुक्ला। जी सर। चलिए। अच्छा पापा, सारा काम चुटकियों में करा देते, उसके बाद हम दोनों मार्केट जाते। ठीक है बेटा। रुक। अरे क्या हुआ? एक मिनट बताती हूँ। अरे बेटा, छुट्टियों में काम तब करवाओगे ना जब ये पासपोर्ट के पेपर्स लेके जाओगे। अरे माँ मैं तो भूल ही गया था, वरना अभी पुलिस स्टेशन से फिर वापस आना पड़ता।
अरे आज फोन पासपोर्ट का काम होती फोन करना। मुझे क्यों पकड़ा? मैंने क्या किया? क्या किया सर बताता हूँ, चल चल। मैंने कुछ नहीं किया, सर किया क्या मैंने? आप लोग जो मुझे सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। चल 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 चलेगा सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया था। बारामती से अच्छा घर का दिख रहा है सर, सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया था। मुझे पता है तुम सच बोल रहे हो, पर वो लड़की क्यों झूठ बोल रही है? उसे तुमसे कुछ प्रॉब्लम है? सर ये तो मैं भी नहीं जानता सर। सर आज मैंने उसे पहली बार देखा सर, मैं जॉगिंग पे गया था तो मैंने उसे पहली बार देखा। अच्छा तो पहली बार देखा और सीधा उठा लिया? नहीं सर। अब बताओ तुम कभी ममता नर्सिंग होम गए थे? मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि ये कहाँ पे सर, मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया है और मेरे साथ भी कोई नहीं था, मैं तो खुद ही अपने पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आ रहा था। अच्छा तो पासपोर्ट बनवा के भागने का इरादा है तुम्हारा? देखता हूँ तेरा वेरिफिकेशन कौन करता है। सर, सर, जल्दी से अपने दूसरे साथी का नाम बता दे, छोड़ दूंगा। मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं ये पासपोर्ट अपने जॉब के लिए बनवा रहा सर, भागने के लिए नहीं सर। मार मत। लेकिन सर इसके बाप को बुला ले, वही से पूछेगा कि सच क्या है। नहीं सर, सर प्लीज सर। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में पिछले साल हर रोज रेप के 80 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि बलात्कार जैसा गंभीर अपराध कानून के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। शायद यही वजह है कि अब पुलिस भी ऐसे मामलों में बेहद क्विक रिस्पॉन्स देने लगी है, जो कि सही भी है। लेकिन क्या रागिनी का आरोप सही था? क्या वाकई विनय और उसके साथी ने ही रागिनी का रेप किया? सुनिए, हाँ जरा विनय को फोन लगाइए, कब तक आएगा? अच्छा अभी लगाता हूँ। हेलो, हाँ जी मैं विनय का पापा बोल रहा हूँ। जी अब ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ, किसका फोन था? अरे पुलिस स्टेशन से फोन था। पुलिस स्टेशन? लेकिन क्यों? अब ये तो उन्होंने बताया नहीं। अरे हाँ, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया होगा, तुम फिक्र मत करो। हा? विनय, विनय,
पापा। ओ, अरे बेटा आप इसके पापा। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मेरा बेटा ये अंदर कैसे सर? आपके बेटे ने एक लड़की पर जबरदस्ती की है। नहीं सर, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। जरूर कोई आपको गलत फहमी हुई है। पापा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। आज पहली बार मैंने उस लड़की को देखा था। कसम से पापा मैं कुछ नहीं जानता पापा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा सही कह रहा है, वो किसी लड़की के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। जरूर आपको सर हॉस्पिटल से फोन आया था। कुछ जो बता रहे थे, जैसे इस कमीने को लड़की ने देखा वो डर गई और उसने मेडिकल कराने से मना कर दिया। पापा नहीं नहीं सर, ये क्या कर रहे हैं? प्लीज प्लीज, जब तक तू सच नहीं बोलेगा तेरे बाप को ऐसे मारता रहूंगा। सर प्लीज पता कौन था तेरा दोस्त जो तेरे साथ शामिल था? सर, नहीं, दोस्त की जगह तेरा बाप तो नहीं था तेरे साथ? सर प्लीज मेरे पापा को छोड़ दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। पापा पापा प्लीज यहाँ से चले जाओ पापा। चुप कर, नहीं जाएंगे। जी सर, जब तक ये सच नहीं उगल देता इसके बाप को यही थाने में बिठा के रखो। पापा 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 मैंने कुछ नहीं किया। पापा मैंने कुछ नहीं किया पापा। नहीं कौन सा वेरिफिकेशन कर रहा है ये लड़का, दिन से रात हो गई खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे माँ जी, अरे दामाद जी, क्या हुआ माँ जी, आप लोग कैसे बाहर? मैंने अपने पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन गया था, अब तक नहीं वापस लौटा। और उसके बाद पुलिस स्टेशन से पापा को भी फोन आया था, वो भी गए हैं, अब तक उनकी भी कोई खबर नहीं। आप लोग परेशान मत हुई, मैं पुलिस स्टेशन जाके देखता हूँ, ठीक है? ठीक है दामाद जी। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे एक फोन करने दीजिए, मेरी पत्नी और मेरी बेटी मुझे लेकर बहुत परेशान हो रही हूँ। वाह क्या बात है, तुझे अपनी बेटी और बीबी की बड़ी चिंता, और जो तेरे लड़के ने उस लड़की के साथ गलत किया उसका क्या? वो भी किसी की बेटी है। पापा पवन जी, दामाद जी का भी फोन स्विच ऑफ है, पता नहीं कहां रह गए ये लोग। ये बाबू जी, अरे क्या हुआ, कहां रह गए थे आप लोग? विनय विनय कहाँ रह गया? आखिर ऐसे कैसे वो लोग विनय को पकड़ के ले जा सकते हैं? देखो पुलिस अपना काम कर रही है, उस लड़की ने कबूल किया है कि वो लड़का जिसने उसके साथ जबरदस्ती की है वो विनय ही है। देखो उस लड़की का मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे पक्का यकीन है विनय ऐसा कुछ नहीं कर सकता। दामाजी कोई अच्छा सा वकील कीजिए और किसी भी तरह से विनय को जमानत पे छोड़वा लीजिए। हाँ ठीक है। मेरा बेटा, मेरा क्या हो गया? ले जाओ शंकर। बेटा, पापा, मेरा बेटा, मेरे बेटे को मत ले जाओ। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। जानो, 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 मेरे बेटे को, मेरे बेटे को। वकील साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा माँ जी, लेकिन नियम के अनुसार इस केस में कम से कम 6 महीने के पहले हम जमानत नहीं कर सकते। ये कैसा नियम है, झूठा आरोप लगने के बाद भी 6 महीने की सजा? समझने की कोशिश करो। रेप के झूठे केसेस में आरोपी और पीड़िता दोनों का DNA टेस्ट असलियत सामने ला सकता है। अगर कोई महिला या लड़की किसी पर रेप का चार्ज लगाती है तो आरोपी DNA टेस्ट का आवेदन कर सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं और इसीलिए उन्हें नाहक मुसीबत झेलनी पड़ती है। दिल्ली और जबलपुर हाई कोर्ट ने ऐसे केसेस में DNA टेस्ट का आदेश दिया है,
अगर विनय ने अपने दोस्त के साथ मिलकर रागिनी का बलात्कार किया था तो रागिनी सामने आने से क्यों डर रही थी? अगर उसका मुजरिम पुलिस की गिरफ्त में था तो रागिनी को कानून का साथ देना चाहिए, लेकिन यहां रागिनी की चुप्पी विनय की जिंदगी और इस केस को लगातार उलझाती जा रही है। देखिए, आप अपनी बेटी को समझाइए, अगर वो हमारा साथ नहीं देगी तो हम अपराधी को सजा कैसे दिलवाएंगे? साहब, मैंने इसे बहुत समझाया, डरने की जरूरत नहीं है, हम सब इसके साथ हैं, पर ये कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, पर इसे कुछ तो इंस्पेक्टर साहब, जो उनसे हुआ इस बात को अब यहीं खत्म कीजिए। क्या? ये क्या कह रही है आप? देखिए, इससे पहले कि आप यहाँ बार बार आए, चार लोगों में बात फैले, सवाल जवाब शुरू हो, बात को यहीं दबा दीजिए। मामला दबा दूं? इसका मतलब आपकी बेटी के साथ जिसने ये सब कुछ किया है उसे आप ऐसे ही छोड़ देंगे? जी, हमें अपनी बेटी के भविष्य की चिंता है, इसलिए हाथ जोड़कर विनती करती हूँ मैं आपसे, इस केस को यहीं बंद कीजिए और फिर कभी मत आइएगा यहाँ। बस माँ, माँ, अरे बेटा तू आ गई, कैसी है? बस माँ। अच्छा माँ, पापा नहीं आए अभी तक? नहीं बेटा, उनका फोन आया था, अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। माँ, इनका अगर फोन आया तो इन्हें मत बताना कि मैं यहाँ आई थी। क्यों बेटा? माँ, वो उन्होंने मुझे आप लोगों से कोई भी रिश्ता रखने के लिए मना कर दिया है। कुछ जैसे कमीनों की वजह से लड़कियां केस करने से डरती है, अगर रागिनी ये केस वापस नहीं लेती तो तुम्हें ऐसी सजा दिलवाता तुम सात जन्म तक याद रखते। सर, जब झूठा आरोप लगता है ना, एक जन्म भी सात जन्म के बराबर लगता है। जब आप पर बीतेगी तभी आप समझ पाएंगे। चल बेटा। ऐसे घटिया और गंदे लोगों से दूर ही रहने में भलाई। चल बेटी, तू अंदर जा। देखो शिवू बेटा, मामा आ गए। हाँ लो ना भैया, बहुत शैतान हो गई है। विनय बेटा, मैंने ना तेरा कमरा अच्छे से साफ कर दिया, और जो तेरे इंटरव्यू के लेटर्स आए थे ना, वो भी संभाल के रख दिए हैं। मैं दो मिनट लोगों की नजरों का सामना नहीं कर पाया, पर आप लोग 6 महीने से उनकी चुपती बातें कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? मैंने तेरे पापा से कहा था, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? मुझे बताओ कि कहाँ चले जाएं?
तुम जानती हो यहाँ से जाने का मतलब क्या होगा? कि हमने स्वीकार कर लिया है कि हमारा बेटा गलत है। और हम कर भी क्या सकते हैं? हमने ठीक किला के कहा कि हमारा बेटा गलत नहीं है, लेकिन उस लड़की ने झूठे आरोप में हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम जो कुछ भी बीत गया है उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जा और आगे बढ़ बेटा। और जहां तक लोगों का सवाल है, वक्त के साथ साथ इनकी याददाश्त और इनकी जुबान दोनों कमजोर पड़ने लगती। हाँ पापा, आप ठीक कह रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए पापा, मैं सब भूल गया। मैंने मना किया था ना यहाँ आने से, यह था कि नहीं? देखो, मुझे किसी क्रिमिनल के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। पर दामाद जी, देखिए आपकी मजबूरी है कि आप विनय से रिश्ता नहीं तोड़ सकते, लेकिन मैं और मेरी बीवी अभी रिश्ता नहीं निभा सकते, समझिए आप। जीजा जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए उस लड़की ने केस वापस ले लिया और पुलिस ने भी मुझे छोड़ दी। पुलिस ने छोड़ दिया, पर तुम्हारे माथे पर लगा कलंक नहीं मिटा जा सकता, और ये कलंक तुम्हारे मौत के बाद ही जाएगा। चलो सुरेखा। अरे बेटा रुको, तो मेरी बात सुनिए दामाद जी, मेरी बात सुनिए दामाद जी। क्या हुआ रोहन? वही लड़का है ना जो कुछ महीने पहले लड़की के केस में जेल गए थे? नहीं नहीं, ये वो नहीं। हाँ, मैं वही लड़का जिस केस में मैं जेल गया था, वो झूठा था। उस लड़की ने मुझे फंसाया। क्या बकवास कर रहे हो, तो लड़की ऐसा क्यों करेगी? अब इसका जवाब तो वही दे सकती है ना कि उसने ऐसा क्यों किया। छोड़ो यार, तुम चाय पियो। बिस्किट लोगी? नहीं नहीं, अच्छी चाय अच्छी। मुझे पता करना होगा उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब ये बताओ, तुम ममता नर्सिंग होम कभी गए थे जहाँ वो काम करती? ममता नर्सिंग होम? आओ बेटा, आ जाओ। मम्मी ध्यान रखना खाने पीने का, पापा काफी। हाँ हाँ भाई, ध्यान रखेगी मम्मी। मम्मी पापा। अच्छा बेटा, नमस्ते। जेल से छूटने के बाद तुम यहां तक आ पहुंचे, फिर से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? पुलिस? पुलिस यहां क्या कर रही है? हटिए आप लोग। लेकिन सर, आप रुकिए, आगे नहीं के घर क्यों गए थे तुम?
वो मैं उसके पिताजी का फोन आया था। देखो अब उसकी शादी हो चुकी है, उसको उसकी जिंदगी चैन से जीने दो। शुक्र मानो कि उसने तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में गवाही नहीं दी थी, वरना जेल में सड़ते, समझे? लेकिन मैं दोबारा ऐसा करने की सोचना भी मत। समझा नहीं रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं। चल ले। अरे क्या कर रहे हैं आप? क्यों किया था तू? अरे बता क्यों किया था तू? अरे बोलता क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू गलत है? झूठने के बाद उस लड़की को डराने धमकाने क्या था? पापा आप ये क्या कह रहे हैं? और क्या कहूं मैं? जो पेशेवर क्रिमिनल होते हैं वो जेल से छूटने के बाद उसे डराने धमकाने जाते हैं जिन्होंने उन पर इल्जाम लगाया था। पापा मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं उसके घर बस ये जानने गया था कि उसने मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया। बात सुन बेटा, तुझे क्या लगता कि वो तुझे सब कुछ बता देगी? वो कहेगी कि आ भाई मैंने इस वजह से तुझ पे ये सारा इल्जाम लगाया था झूठा। चलो मान लिया वो तुझे बता भी देगी तो क्या कर लेगा बेटा तू? अरे हमें बता क्या कर लेगा तू? जो हम लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है वो क्या वापस आ जाएगी? तो क्या करें पापा, सारी जिंदगी ये बदनामी अपने माथे पे लेके घूमते रहे। देखो एक रास्ता है। क्या रास्ता? अगर हम उस लड़की के खिलाफ ये कंप्लेंट कर दें कि उसने तुम्हें झूठे केस में फंसाया। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम ये कंप्लेंट करेंगे तो पुलिस उसे पूछताछ के लिए बुलाएगी, मामला कोर्ट में भी जाएगा, लेकिन इसमें एक रिस्क है। रिस्क? कैसा रिस्क? यही कि अगर उस लड़की ने ये बयान दे दिया कि उसके साथ जो कुछ भी गलत हुआ तो तुमने किया है, वो डर गई थी और उसकी वजह से वो गवाही नहीं दे पा रही थी, लेकिन अब वो ठीक है और गवाही दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा बंद हुआ केस फिर से खुल जाएगा और फिर तुम्हें लंबी सजा भी हो सकती है। एक बात बताओ, तुम्हारे पास कुछ ऐसा प्रूफ है जिससे ये साबित हो जाए कि तुम इस केस में बेगुनाह हो? नहीं सर, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो तुम्हें यही राय दूंगा कि तुम उस लड़की के खिलाफ कोई भी केस दर्ज मत करो। मैं जानता हूं कि मैं बेकसूर, चाहे जो भी हूं उस लड़की के खिलाफ कंप्लेंट जरूर करूं। तू कंप्लेंट नहीं करेगा। अरे बड़ी मुश्किल से तो सब ठीक हो रहा है और तू? नहीं माँ, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तू जेल से वापस आ गया, क्या ये ठीक नहीं हुआ? आखिर तू चाहता क्या है? तू हमें चैन से जीते हुए देखना नहीं चाहता है क्या? आखिर इस बुढ़ापे में और क्या क्या दिखाएगा हमें? इससे जो माँ प्लीज आप समझने की कोशिश करो। मैं ये सब इसलिए करना चाहता हूँ ताकि रोज रोज हम लोग मर मर के ना जिए, किसी के ताने ना सुनने पड़े, कोई ये ना कहे कि वो देखो इसका बेटा क्रिमिनल है। प्लीज माँ आप डरो मत, मेरा साथ दो, मुझे आप लोगों के साथ की बहुत जरूरत है। माँ बेटा मैं तेरा साथ दूंगा। दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में अप्रैल 2013 से जुलाई 2014 के बीच रेप के जितने भी मामले दर्ज किए गए उनमें आधे से ज्यादा फर्जी थे, और इस तरह के फर्जी मामले दूसरे राज्यों में भी सामने आ रहे हैं। रागिनी के खिलाफ पुलिस में जाना विनय की हिम्मत का ही नहीं, इस बात का भी सबूत है कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ। लेकिन अगर विनय बेकसूर है तो सवाल उठता है कि रागिनी ने उसे रेप के झूठे केस में फंसाया क्यों? आखिर एक ही मुलाकात में ऐसी कौन सी दुश्मनी पनप गई रागिनी के दिमाग में जिसका खामियाजा विनय और उसके परिवार को यूं भुगतना पड़ा? ए वकील साहब, ये लड़का तो पागल है, आप तो समझदार हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमारी मानसिक हालात के बारे में सोचना बंद कर दीजिए और ये रिपोर्ट लिखिए कि उस रागिनी वर्मा ने मेरे क्लाइंट विनय गुप्ता के खिलाफ झूठे केस में फंसाया।
ऐसा कैसे कर सकता है वो कमीना? और आप भी उसका साथ दे रहे हैं? देखिए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो प्रोसीजर है उसे फॉलो करना ही पड़ेगा, हमें भी और रागिनी को भी। इन्हें कोर्ट में आना पड़ेगा गवाही देने के लिए, क्योंकि इस बार लड़के ने केस किया इन पे। उसी टाइम सजा दिलवा देते ना तो आज हमें ये दिन देखना ना पड़ता। देख लो अपने डर का नतीजा। आप थोड़ा शांत रहिए ना, अरे गुस्से से मामला और बिगड़ जाएगा। अगर तब हम चुप ना रहे होते ना तो हम रागिनी की शादी भी ना करवा पाते। लेकिन भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, आप भी कोई रास्ता निकालिए ना बीच का। अगर मेरे पति को पता चल तो क्या होगा? देखो विनय, रागिनी एक माफीनामा लिख के देने के लिए तैयार है। तो उसने तुम पे जो भी आरोप किए थे वो सारे के सारे झूठे हैं। अब भलाई इसी में है कि इस मामले को यहीं खत्म कर दो। फालतू में कोर्ट जाओगे तो फिर से बात उछलेगी, इसकी बदनामी होगी, इसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो सकती है। सर, 6 महीने से तो मैं भी ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ। मेरे माँ बाप हर रोज न जाने कितने लोगों के ताने सहते रहते। जेल की सजा से तो आजादी मिल गई, लेकिन अब लोगों की नफरत, मेरे ऊपर लगा क्रिमिनल का दाग, ये सब मुझे चैन से जीने नहीं देता। तुमने जो किया है ना उसी का फल है ये। और देखो, इतना सब होने के बाद भी मेरी बेटी माफीनामा लिखने को तैयार है। अब जो भी बात है यहाँ खत्म करो। अगर मैंने गलती की है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, और अगर आपकी बेटी गलत, उसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है तो उसे सजा भुगतनी ही होगी। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं चाहता हूँ कि रागिनी सिर्फ सच बोले। जो सच है वो सबको बताओ, मैं अभी अपना केस वापस ले लूंगा। ठीक है रागिनी, फिर कोर्ट में मिलते हैं। रुक गया। लेकिन अब आखिरी बार कह रहा हूं, सच बोल, मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में नहीं जाऊं। सच्चाई ये है कि मैंने इस लड़के पे झूठा इल्जाम लगाया था। क्या बेटा, तू क्या कह रही है बेटा? तू घबरा मत बेटा, ऐसे कमीने से डरने की जरूरत नहीं है तुझे। अपनी शादी की चिंता तू मत कर, पर दामाजी बहुत ही समझदार इंसान है, मैं समझाऊंगा उन्हें। तू चिंता मत कर बेटा, तू सच बोल बेटा, सच बोल। यही सच है पापा, इस लड़के ने मेरे साथ कुछ नहीं किया था। तूने इसके साथ ऐसा क्यों किया? बोल बोल, तूने ऐसा क्यों किया? वो मैं आपको नहीं बता सकती। अरे जी, आप दोनों प्लीज जाइए यहाँ, प्लीज जाइए। हाँ बताओ रागिनी, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा एक लड़के आकाश के साथ अफेयर था, उस दिन भी मैं उसी के घर गई थी। आकाश, तुमने ये सब रिकॉर्ड किया है? नहीं, वो मैंने। पागल हो गए हो क्या? जानते नहीं हो ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर चली जाती है और
सब लोग देख लेते हैं कि वीडियो अगर किसी के हाथ लग गई तो डिलीट करो इसे अब। अच्छा बाबा मैं डिलीट कर देता हूँ, कूल डाउन। बस खुश? सच सच बोलो आकाश, तुमने पहले भी ऐसी वीडियोस रिकॉर्ड की हैं? नहीं देवी, मैंने पहले ऐसा कभी नहीं किया है। झूठ मत बोलो, तुमने पहले भी रिकॉर्ड किया है ना? हाँ, क्या कर दिया तुमने? ये वीडियो क्लिप किसी ने देख ली या मेरे घर वालों को मिल गई तो क्या होगा? अरे बाबा डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, तुम घर जाओ। लेकिन तुमने ये सब किया क्यों? मैं चाहता हूँ कि रोज रोज तुम मेरे घर आओ, जब भी मैं बुलाऊ। कुछ भी हो आकाश, मैं दोबारा यहाँ नहीं आने वाली। तो फिर तुम्हारा वो वीडियो क्लिप तुम्हारे पापा के पास पहुंच जाए तो भी फ्री। मेरी एक सहेली के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसकी इसी तरह की एक वीडियो क्लिप उसके परिवार वालों ने देख ली थी। मैं डर गई थी, मुझे लगा अगर मेरी भी वीडियो क्लिप मेरे परिवार वालों ने देख ली तो वो क्या सोचेंगे। इसीलिए मैंने अपने आप को बचाने के लिए मेरे साथ ये जबरदस्ती होने वाली झूठी कहानी बना दी। सुन लिया आप लोगों? देखो विनय, अब तो मैंने सब सच सच बता दिया है, अब प्लीज मुझे यहां से जाने दो, ये केस वापस ले लो प्लीज। प्लीज मेरी बात मानो विनय। प्लीज विनय, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं माफीनामा लिखने के लिए तैयार हूँ, तुम जो चाहोगे मैं करूंगी, बस ये केस वापस ले लो, मेरा घर बर्बाद होने से बचा लो विनय प्लीज। ठीक है, मैं अपना केस नहीं विनय, अब तक ये माफीनामा लिख के देने के लिए तैयार थी, इसके लिए जाने देने के लिए कह रहा था मैं, लेकिन अभी नहीं, अभी इस लड़की को इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। सर प्लीज, सर मैं माफीनामा लिखने के लिए तैयार हूँ सर। शट अप! करने से पहले नहीं सोचा? जिस तरह एक रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है क्योंकि समाज में वो गुनाह करने से लोग डरे, उसी तरह ऐसे इनोसेंट लोगों पर इस तरह के आरोप करने वालों को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेके जाओ इसे। नहीं सर, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। सर प्लीज, सर सर प्लीज मेरी बात सुनिए, सर प्लीज एक बार सुनिए तो। चलिए हम आते हैं अभी। है चलिए पापा, चलो बेटा आओ। हद कर दी कमीनेपन की। तुमको क्या लगता है लड़की को डरा कर उस पे झूठे केस बनाकर तुम सच्चे साबित हो जाओगे? जो तुमने उस लड़की के साथ गलत किया है वो बदल जाएगा? कभी नहीं। दुबे जी, मेरा बेटा निर्दोष है और ये बात कोर्ट में भी साबित हो चुकी। पापा, इन सब को सच को अपनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन ये सब जान जाएंगे कि मैं गलत हूं। 2012 में हुए दर्दनाक रेप और हत्याकांड के बाद सरकार ने महिला अपराध से जुड़े कानून में कई बदलाव किए। अब इसमें पीछा करना, तांक झांक करना और एसिड अटैक भी शामिल किए गए। इसके अलावा यौन उत्पीड़न के संदिग्ध आरोपी को बिना शुरुआती जांच के हिरासत में लिए जाने का अधिकार भी है। जाहिर सी बात है कि ये सब कदम महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने की नीयत से उठाए गए, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि इन कानूनों का गलत इस्तेमाल किया जाए, इन्हें हथियार बनाकर किसी निर्दोष की जिंदगी तबाह की जाए। रागिनी ने खुद को बचाने के लिए विनय को फंसाया। बेहतर होता कि वो उस लड़के के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाती जिसने उसका वीडियो बनाया था। कानून सबको बराबर का हक और मौका देता है, जरूरत है कानून को ठीक से समझने की और सच की लड़ाई में संयम और हिम्मत से काम लेने की। इसी संयम और हिम्मत का सहारा लेकर विनय ने आखिरकार रागिनी को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाई थी। एक बात और, कोई आरोपी अपराधी है या नहीं ये तय करना कानून का काम है, इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी को भी बिना सच जाने बगैर अपराधी घोषित ना कर दें, उसे अपराधी मानकर समाज से अलग थलग ना कर दें। इस जल्दबाजी में किसी निर्दोष की जिंदगी तबाह हो सकती है। रही बात फर्जी आरोपों की,
तो विनय का उदाहरण हमारे सामने है। अगर आप सही हैं तो अपनी सच्चाई का साथ मत छोड़िए, कानून पर भरोसा रखिए और होशियारी से अपनी लड़ाई लड़िए, डर कर नहीं डट कर। सावधान रहिए।